नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ जायद से नवाजे गए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए शनिवार को उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है। इससे पहले कई विश्व नेता इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं, जिसमें से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल है। यूएई ने अप्रैल में मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नवाजे जाने की घोषणा की थी। पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत के दो दिन हो चुके हैं और अभी भी दो दिन बाकी हैं। इसी बीच एक बड़ा सबूत सामने आया है जिसमें घूसकांड का आरोप और पुख्ता हो जाता है। पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की कंपनी को एफआईपीबी से मंजूरी वाला काम करने के बदले 11,23,600 रुपए का पेमेंट किया गया था। यह पैसा 26 जून को दिया गया था। आईएनएक्स के पूर्व प्रमुख लीगल एंड रेगुलेटरी अफेयर एंड गवर्नमेंट रिलेशन अधिकारी अजय किशोर शर्मा के बयान के मुताबिक बरामद दस्तावेजों से यह साफ हो जाता है कि यह पैसा एफआईपीबी से जुड़े के लिए ली गई थी। अरुण जेटली एक शख्सियत, तीन अलग पहचान। शानदार वकील, अनुभवी सांसद और काबिल मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के साथ ही भारतीय राजनीति के एक सुनहरे दौर का अंत हो गया है। जैसे ही एम्स से खबर आए कि अब अरुण जेटली इस दुनिया में नहीं रहे, राजनीति की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। खेल और सितारों की दुनिया भी मायूस हो गई। जनता जनार्दन पर भी गम का पहाड़ टूट गया, हर तरफ मासूम छा गई। अरुण जेटली के निधन को राजनीतिक दुनिया की एक बड़ी क्षति बताई जा रही है। हालांकि जेटली की शख्सियत को सिर्फ राजनीति में बांधना उनके व्यक्तित्व को कम आंकने जैसा होगा। वो एक व्यक्ति में कई मैदान में अपनी सेवाएं दे चुके थे। जिस जगह भी वो जाते उनकी काम की वाह वही होती। मंदी की आशंका को लेकर के मायावती की सरकार को सलाह, तत्काल राहत देने वाले कदम उठाए जाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि देश में भीषण गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कर्मचारियों की देश भर में हो रही छटनी आदि से पीड़ित देश के करोड़ों मेहनतकश लोगों को तत्काल राहत देने के लिए दीर्घकालीन उपायों के साथ साथ तत्काल राहत और रोजगार देने वाले कदम उठाने चाहिए। केंद्र इसे पूरी गंभीरता से ले। पीएम मोदी के यूएई दौरे से बिलबिलाया पाकिस्तान, लोग दे रहे हैं इमरान खान को गालियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पूरा पाकिस्तान पीएम इमरान खान को गालियां दे रहा है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है नरेंद्र मोदी के डिप्लोमेसी को। जिस देश को पाकिस्तान अपना दोस्त मान करके बैठा था, असल में वो देश भारत का निकला। पाकिस्तान के लोग ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले 8 महीनों में इमरान खान ने क्या क्या नहीं किया। वो प्रधानमंत्री से ड्राइवर तक बन गए यह सोचकर कि कश्मीर पर तो साथ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान ने जो सोचा नहीं था वो हो गया और कश्मीर पर भी यूएई के शहजादे मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पूरे यूएई में इधर मोदी मोदी हुआ है और उधर पूरे पाकिस्तान में मातम पसरी हुई है। पाकिस्तान यूं ही नहीं रो रहा है, दरअसल उसे अफसोस इस बात का है कि इंग्लैंड और अमेरिका तक ने कश्मीर मुद्दे पर इसकी बेरुखी नहीं दिखाई जितनी कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने दिखा दी है। टैक्स मामलों को लेकर के 1 सितंबर से सरकार ने शुरू की नई स्कीम। पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नई स्कीम लेकर के आई है। इस स्कीम के तहत अब टैक्स मामलों का निपटारा फटाफट होगा। साथ ही जीएसटी लागू होने के पहले से सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी मामलों को सुलझाया जाएगा। इसमें सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी विवादों का निपटारा होगा। टैक्स विवाद निपटाने की नई स्कीम में दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा विवाद का निपटारा, दूसरा हिस्सा होगा एमनेस्टी। आपको बता दें कि यह स्कीम 1 सितंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। मोदी योगी सरकार में भी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा राम मंदिर? श्री राम जन्मभूमि न्यास श्री कृष्ण जन्म स्थल न्यास के अध्यक्ष और अयोध्या स्थित मणिराम छावनी के महंत नित्यानंद गोपाल दास ने शुक्रवार को कहा है कि वर्तमान समय अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थिति है। उन्होंने भरोसा जताया है कि उच्च न्यायालय जनता की भावनाओं का आदर करते हुए वहां मंदिर निर्माण की अनुमति अवश्य देगी जहां रामलला विराजमान है। उन्होंने वृंदावन के सीताराम मंदिर के संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यदि अब भी अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो आखिर कब बनेगा राम मंदिर? राम के जन्म को लेकर के किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। जहां रामलला विराजमान है वहीं उनका जन्म हुआ है और उन्होंने बाल लीलाएं वहीं की, इसीलिए मंदिर भी वहीं बननी चाहिए। बिहार पुलिस को मिली अनंत सिंह की 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड। बिहार पुलिस को अनंत सिंह की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। साकेत कोर्ट ने अनंत सिंह को 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। अनंत सिंह बिहार पुलिस को चकमा देकर के दिल्ली पहुंच गए थे और साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। अनंत सिंह बिहार की मोकामा विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं।
जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली के जजों ने निकाली साइकिल यात्रा। इंडिया गेट पर दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी द्वारा जागरूकता को लेकर के एक साइकिल यात्रा निकाली गई है। साइकिल यात्रा को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरूभाई नारभाई पटेल ने हरी झंडी देकर के साइकिल यात्रा की शुरुआत की। वहीं भारी संख्या में जजों और मजिस्ट्रेटों ने इस साइकिल यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महज 5.5 किलोमीटर की इस यात्रा में देश के कई नामी जजों ने साइकिलिंग की। एक यात्रा न्याय की ओर कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की कम नहीं हो रही मुश्किलें। सरकार ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल 18,000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार ने यह बात नरेश गोयल की याचिका पर सुनवाई करते वक्त कोर्ट में कही है। आपको बता दें कि आर्थिक संकट में फंसने के बाद जेट एयरवेज का परिचालन बंद हो चुका है। नोकिया ला रही दुनिया का सबसे सस्ता 5G फोन। HMD ग्लोबल ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में वह अपना सबसे सस्ता नोकिया 5G फोन अगले साल 2020 में ला रही है। नोकिया ब्रांड के फोन बनाने वाले कंपनी HMD ग्लोबल के मुख्य उत्पाद अधिकारी जुहू सर्विकस ने कहा है कि हम अपने लिए 5G फोन को सस्ती कीमत पर लाने और मार्केट में एंट्री कराने के लिए एक विशेष अवसर के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आज की तुलना में उपलब्ध के हिसाब से यह सस्ता कर रहा हूं। जो वर्तमान में 5G का दाम है उससे आधी कीमत पर मैं नोकिया के डिवाइस को देना पसंद करूंगा। समाचार पोर्टल के मुताबिक बता दें कि HMD ग्लोबल इस साल के अंत तक अपने 2 नोकिया 5G स्मार्टफोन लेकर के आ सकता है। उसमें से स्मार्टफोन फ्लैपिंग हो सकता है। उसमें से स्नैपड्रैगन 855 ISO X55 मॉडल पेयर 5G कनेक्टिविटी भी दिया जाएगा। पीएम मोदी ने UAE में लॉन्च किए रुपे कार्ड। कहा भरोसेमंद नीतियों ने भारत को बनाया एक आकर्षक निवेश स्थल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद नीतियों के चलते आज दुनिया में निवेश का एक आकर्षण केंद्र बन गया है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में प्रवासी भारतीय कारोबारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही है। प्रधानमंत्री ने विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस समुदाय ने देश को आर्थिक वृद्धि में महती योगदान दिया है। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया का पहला देश बन गया है जिसने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रणाली को अपना लिया है। UAE के कई कंपनियों रुपए भुगतान को स्वीकार करने की बात कही है। इतिहास रचने में एक कदम दूर, सिंधु पहुंची फाइनल में। ओलंपिक रजत विजेता PV सिंधु ने शनिवार को स्विट्जरलैंड में जारी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही PV सिंधु का टूर्नामेंट में रजत पदक पक्का हो गया है। अब सिंधु इतिहास रचने में सिर्फ एक कदम दूर है। आपको बता दें कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में अगर सिंधु जीत दर्ज कर लेती है तो उनके पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए महिला और पुरुष वर्गों में से अब तक किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। राहुल गांधी के कश्मीर दौरे पर बोले सत्यपाल मलिक, यहां उनकी कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य 11 विपक्षी दलों के नेताओं का प्रतिमंडल शनिवार को कश्मीर पहुंचा था। हालांकि सभी को कश्मीर हवाई अड्डे से ही दिल्ली वापस भेज दिया गया है। वहीं इस मामले पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अभी राहुल गांधी को यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत तब होगी जब उनके सहयोगी संसद में बोल रहे थे अगर वह स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं और यहां आकर के दिल्ली में उनके द्वारा बताए गए झूठ को दोबारा चाहते हैं तो यह अच्छा नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले JDU को लगा बड़ा झटका, चुनाव चिन्ह हुआ फ्रीज। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में अब कुछ ही महीने बचा हुआ है। राज्य के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन तराश रहे हैं। इन सब के पीछे झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में JDU के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से की गई मांग पर चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया है। नए टैरिफ पर बुरी तरह भड़के ट्रंप, कहा हमें चीन की जरूरत नहीं है, वहां से हट जाए अमेरिकी कंपनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जोरदार हमला बोला है। ट्रंप ने चीन की ओर से नए शुल्क लगाने की योजना पर त्वरित जवाबी कार्रवाई का संकल्प लेते हुए बेहद ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि अमेरिका की कंपनियों को चीन छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को चीन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश को इतने सालों से चीन ने खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंने एक साल में अरबों डॉलर की कीमत पर हमारी वैदिक संपदा को चुराया है और वे जारी रखना चाहते हैं, लेकिन मैं यह नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा है कि हमारी महान अमेरिकी कंपनियों को आदेश दिया जाता है कि वे चीन का विकल्प देखना शुरू करें और वे वापस देश आने का विकल्प रखें। वित्त मंत्री के आर्थिक सुधार पर उठाए कदमों की अमेरिका में हुई तारीफ, अब भारत में तेजी से निवेश पड़ने की उम्मीद। अमेरिकी उद्योग जगत में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आर्थिक सुधार को लेकर के उठाए कदमों का स्वागत करते हुए कहा है कि इस प्रस्तावित विस्तृत सुधार में भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। साथ ही भारत सरकार दुनिया में फिर से
लिए निवेश के रूप में बेस्ट डेस्टिनेशन साबित होगा। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, श्री योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री है? इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया के सारी खबरों से रह सके अपडेट।